नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। लुधियाना के फोर्टिस अस्पताल में मरीजों के घुटने एवं जोड़ बदलने का काम रोबोट करेंगे। फोर्टिस अस्पताल के ऑर्थो विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव महाजन ने इस तकनीक से पहले रोबोटिक्स ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके लिए फोर्टिस अस्पताल प्रबंधन ने रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सभी के लिए लॉन्च कर दिया है। अब अमेरिका के बाद ये तकनीक भारत में ही लॉन्च की गई है। इस सुविधा को लॉन्च करते हुए डॉक्टर संजीव महाजन ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी एडवांस कंप्यूटर तकनीक कुशल सर्जनों के अनुभव पर आधारित होती है। इसका इस्तेमाल करते हुए सर्जन रोबोटिक्स असिस्टेंट कंट्रोल और इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, जिससे सर्जरी के बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। Ortho robotics gives us an implant which will be of a longer duration. So it means ki implant ki life badh jayegi, stable nahi banega, patient ki pain kam hogi, during surgery uski bone cutting kam ho jati hai, soft tissue acche balance ho jate hain aur rehabilitation uski fast ho jati hai. How does this work in soft tissue injuries? It's not meant for soft tissue injuries. Okay. During surgeries, because of bigger incisions, because of retractors, because of bigger instrumentation, there is an injury to soft tissue which happens during retraction during surgery. So that retraction doesn't happen in this surgery because everything is guided by a robot. So we don't have to retract, we have to dissect tissues far away. That hidden injury doesn't happen. This injury contributes to postoperative pain. This injury contributes to postoperative rehabilitation and range of motion. So if you have a lesser injury during surgery, it will have better outcomes. What is the success rate? This surgery is only indicated for patients who have arthritis, means either osteoarthritis or rheumatoid arthritis or arthritis because of any other reason. So this surgery is meant for only those patients. So that way, patients who have grade 4 arthritis, this surgery and this technology is very, very beneficial. जो osteoarthritis है वो होता है aging से. इट इज इन आर जीन्स, सबको एजिंग होनी है। सो किसी की एजिंग जल्दी हो जाती है, किसी की लेट होती है। उसी तरह जब एजिंग होती है, उसी तरह जॉइंट्स के अंदर भी कुछ तब्दीलियां होती हैं। उस तब्दीलियों को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सो जिसकी जॉइंट की कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, वर्सन हो जाती है, ग्रेड 3-4 में चले जाते हैं, उनमें ये सर्जरी करते हैं। नॉर्थ और रीजन ईस्ट के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि प्रोग्रेसिव कंपनी है, जिसने कोई हिचक नहीं की है अच्छी टेक्नोलॉजी लाने के लिए जो वास्तविकता में किसी इंसान को, मतलब जो उसकी उम्र के हिसाब से जिसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब के उसकी फंक्शनैलिटी जो होती है, उसकी ज़िंदगी में जो सुधार लाना चाहिए, उसके लिए ये हमने एक रोबोट को इम्पोर्ट किया था। उस पर स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है, उस पर हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनके पास पुराना एक्सपीरियंस भी इतना था कि इन दोनों को कंबाइन करके अब वो जो दे रहे हैं वो एक यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपको, मतलब जो आप देखना है, अब मैं थोड़े हल्के अंदाज में कह दूँ कि आप जब गुरुद्वारा साहब जाते हैं, जब कोई अपना प्रणाम करके जब उठते हैं तो कितने, मतलब मायूसी और कितनी दर्द से वो उठते हैं। ये सब वही जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मेन चीज़ होती है उसमें हड्डियां भुरने का काम हो जाता है, उसमें फिर उनकी मोबिलिटी जो होती है वो नहीं रहती, बैलेंस, जो किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, उस सॉफ्ट टिश्यू का बैलेंस भी नहीं रहता है, मसल भी वीक हो जाते हैं। उनके लिए एक छोटे से होल के ज़रिए जो ये सर्जरी की जाएगी, ना कि एक बहुत बड़ा ओपन सर्जरी करना, जिसका नाम इन्होंने बताया भी था मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। तो ये है इसका मेन चीज़, जल्द से जल्द वो अपनी मतलब नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, कम टिश्यू डैमेज होता है, कम खून यूटिलाइजेशन होती है या बहता है, और उनके जो रेंज ऑफ मूवमेंट होती है वो साथ के साथ दिखती है। इसमें जिसको उन्होंने बोला था इंट्रा ऑपरेटिव फीडबैक, जब वो आप कर रहे होते हैं उसी टाइम आपको पता लग जाता है। पहले क्या होता था कि पहले आपको MRI CT वगैरह करके प्लानिंग करनी होती थी,
यहाँ पे प्लानिंग के साथ आप अंदर जाइए, लेकिन उस समय भी आपको इंट्रा ऑपरेटिव जब आप कर रहे हैं आपको फिर फीडबैक मिल रही है कि भाई इसका जो है अलाइनमेंट ऐसे करिए और ऐसे करिए। तो इट इज़ ए मतलब जिसको कहते हैं एक ब्लेसिंग है, एक दान है जो टेक्नोलॉजी ने इंसान को दिया है। इंडिया क्राइम न्यूज 24 के लिए लुधियाना से विक्की भगत।